Okay, so before we start new topic, थोड़ा सा जो required revision है little bit पहले वो कर लेंगे. What do we need to start today's classes? आपको centripetal force अच्छे से समझा है और आपको centripetal force के formula और direction पता है. This is basic assumption. तो centripetal force is required for any particle performing circular motion. That force is always towards center. So direction will be minus r cap. And then there will be formulas like, मैं जब force बोलता हूँ तो force में mass आएगा mv square by r, r cap with a negative sign. आप जब acceleration की बात करते हो तो v square by r, r cap with a negative sign लिखते हो. This is centripetal acceleration. And force is mass into acceleration. और एक formula देखा था हमने mr omega square negative r cap के साथ. And then third formula was v omega r cap with negative sign. Okay? तो इतना पता होना essential था. Now, before we go to next type of force, which is centrifugal force, you should know this is part of 11th now. आपको ये पता होना चाहिए 11 में समवेयर व्हेन यू आर स्टडिंग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, वहां पे आपने इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऐसा सुना होगा. तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मैं पूरा नहीं लिखने वाला हूं इसको, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, राइट. तो ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, उससे पहले फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है ये पता होना चाहिए. व्हाट डू मीन बाय फ्रेम ऑफ रेफरेंस? फॉर एग्जांपल, देयर वाज एन ऑब्जेक्ट व्हिच वाज मूविंग. ये ऑब्जेक्ट जो चाहो वो हो सकता है. इट कैन बी अ कार, इट कैन बी समवन रनिंग, इट कैन बी अ बॉल. ओके, ये ऑब्जेक्ट मोशन में है. अब मोशन में है मतलब डिस्प्लेसमेंट होगा, वेलोसिटी होगा, एक्सेलरेशन होगा. When I say the displacement of this object is 1 meter, 2 meter, 3 meter, 4 meter, जो भी वैल्यू होगी कहीं से तो मेजर करेंगे, राइट. इसका मतलब सबसे पहले हम लोगों को एक कोऑर्डिनेट सिस्टम एसोसिएट करना पड़ता है, राइट. एंड दैट कोऑर्डिनेट सिस्टम इज कॉल्ड एज फ्रेम ऑफ रेफरेंस. फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे इस क्लास में रुक के खिड़की के बाहर देख रहा हूँ एंड देयर इज सम व्हीकल व्हिच इज पासिंग बाय. तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस, आई एम द फ्रेम ऑफ रेफरेंस बिकॉज आई एम ऑब्जर्विंग द मोशन. तो पहले तो पता होना चाहिए कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है. ओके, सो फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज जस्ट अ कोऑर्डिनेट सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू व्हिच मोशन और फिजिकल क्वांटिटी रिलेटेड टू मोशन विल बी मेजर्ड. गुड, देन इनर्शियल क्या होता है? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है जो खुद रेस्ट पे है. जैसे आई एम ऑब्जर्वर, मैं मोशन को देख रहा हूं, मैं रेस्ट पे हूं, सो आई एम नॉट मूविंग. और आई एम मूविंग बट आई एम मूविंग विद कॉन्स्टेंट स्पीड, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी. मैं खुद फ्रेम ऑफ रेफरेंस हूं, या तो मैं रेस्ट पे हूं या फिर अदरवाइज आई एम मूविंग विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी. सच फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज कॉल्ड एज इनर्शियल. मतलब ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो होता है, इट इज नॉन एक्सेलरेटेड, इट इज नॉन एक्सेलरेटेड. अब इसकी जरूरत क्यों है हमको? बिकॉज न्यूटन लॉज ऑफ मोशन 1, 2 and 3, जो भी आप लॉज ऑफ मोशन की बात करते हो, वो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन दे आर स्ट्रिक्टली वैलिड फॉर नॉन एक्सेलरेटेड. मतलब उसमें ये अजम्पशन ही था. जैसे पहला लॉ आप बोलते हो, एवरी बॉडी इफ इट इज एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट, और इफ इट इज मूविंग विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी इट विल कीप मूविंग विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी अनलेस एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स इज अप्लाइड. सो ये न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन स्ट्रिक्टली एप्लीकेबल है फॉर इनर्शियल फ्रेम. मतलब अंडर द अजम्पशन ऑब्जर्वर मूव नहीं हो रहा है, या तो वो मूव हो रहा है तो कॉन्स्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव हो रहा है, राइट. सो सच फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज कॉल्ड एज इनर्शियल. देन ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी होता है, ऑब्जर्वर खुद कॉन्स्टेंट नहीं बट वेरिंग वेलोसिटी के साथ मूव हो रहा है. ऑब्जर्वर इज मूविंग
with some acceleration और वो एक motion को observe कर रहा है, right? Same object था, गाड़ी पास हो रही थी, वही गाड़ी है, पहले observer rest पे था, अब observer move हो रहा है with varying velocity, मतलब अब observer खुद accelerated है, जो object था उसका motion वैसा ही है, observer change हो गया। तो इन दोनों केसेस में जो वेलोसिटी आप मेजर करोगे इट विल नॉट बी द सेम, ऑब्जेक्ट सेम है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस एट रेस्ट यू विल गेट सम डिफरेंट वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, ऑब्जर्वर विच इज एक्सेलरेटेड वो मेजर करेगा तो डिफरेंट वेलोसिटी, उसको हम बोलते हैं नॉन इनर्शियल, उसको हम लोग बोलते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, सो और इट इज कॉल्ड एज एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सिंपल लैंग्वेज में इन वन केस ऑब्जर्वर वॉज एट रेस्ट एंड मेजरिंग द मोशन ऑफ सम अदर ऑब्जेक्ट, इन अनदर केस ऑब्जर्वर वॉज इट सेल्फ मूविंग एंड मूविंग बट विथ वेरिंग वेलोसिटी, मतलब खुद एक्सेलरेटेड है और वो सेम ऑब्जेक्ट का मोशन मेजर कर रहा है, दोनों केसेस में वैल्यूज विल बी डिफरेंट, राइट? व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज नाउ यू नीड टू learn what is centrifugal force, और centrifugal force मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं क्योंकि as you already know centrifugal मतलब circular motion आएगा, और हमने already बोला है कि circular motion ये accelerated motion होता है, क्यों? Because at every point velocity is along tangent, magnitude same हो नहीं हो but direction is changing, right? So next important topic that you need to understand is centrifugal force. और आपका जो घर में वॉशिंग मशीन होगा उसमें जो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फुल्ली ऑटोमेटिक नाउ, ओल्ड डेज दो चेम्बर होते थे, एक वॉशर एक ड्रायर, ड्रायर को सेंट्रीफ्यूज भी बोलते थे, वाई कपड़े डाले चालू किया, ड्रम स्टार्ट रोटेटिंग, ड्रम में होल्स थे, क्लॉथ्स आर बीइंग पुश्ड अवे मतलब अवे फ्रॉम सेंटर, सेंट्रीपिटल क्या होता है टूवर्ड्स, हाँ तो सेंट्रीफ्यूज मशीन इसलिए बोलते थे क्योंकि वहां पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट हो रहा है विच इज अवे फ्रॉम सेंटर, राइट? नाउ लेट मी टेक यू टू योर चाइल्डहुड, ओह कहीं तो देखा होगा ये, राइट? हाँ जत्रा, गुड, इसको बोलते हैं मैरी गो राउंड। What happens is आप इस पे बैठ गए, it starts rotating. Initially तो आपको ऐसा लगता है कि someone is pushing you away outside, but in reality no one was pushing you outside. Similar experiences you have when you are traveling in bus में हो, गाड़ी में हो, जैसे turn आया you feel someone is pushing you away, right? पर किसने किया नहीं, मतलब वो जो force है वो हम सिर्फ experience करते हैं, इट इज नॉट अ रियल फोर्स, उसको बोलते हैं सूडो फोर्स, सूडो मतलब जो रियल नहीं है पर इमेजिनरी भी नहीं है, इट इज नॉट इवन इमेजिनरी, दैट एग्जिस्ट बट इट इज नॉट रियल, उसको हम बोलते हैं सूडो फोर्स। अब ऐसा क्यों होता है, ये इसलिए होता है क्योंकि जब आप एक टर्निंग पॉइंट पे आए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स स्टार्ट्स एक्टिंग ऑन यू बिकॉज इट बिकम्स पार्ट ऑफ सर्क्यूलर मोशन, राइट? जब तक बैलेंस करने वाला सेंट्रीपिटल फोर्स मिलता नहीं तब तक आपको लगेगा कोई बाहर धक्का दे रहा है। सो व्हाट हैपेंस, टर्न आया तो इनिशियली वेलोसिटी या स्पीड वाज नॉट कांस्टेंट, सो इट वाज अ पार्ट ऑफ नॉन यूसीएम, राइट? फिर जैसे ही स्पीड कांस्टेंट हो गया इसका मतलब आउटवर्ड फोर्स सेंट्रीफ्यूगल और इनवर्ड फोर्स सेंट्रीपिटल बैलेंस। अब आप मेरी गो राउंड पे बैठ के आंखें बंद कर लो, यू विल फील दैट यू आर एट रेस्ट, यू विल नॉट रियलाइज दैट यू आर मूविंग अलोंग अ सर्कल। कब तक? जब तक स्पीड कांस्टेंट है। द मोमेंट उसने मशीन बंद किया यू विल अगेन फील समवन इज पुशिंग यू इनसाइड नाउ। तो ये एक्सपीरियंस कैसा होता है, जब मशीन स्टार्ट हुआ यू फील आउटवर्ड पुश, देन यू फील दैट यू आर एट रेस्ट एंड देन यू फील यू आर बीइंग पुश्ड इनवर्ड्स, राइट? तो इन शॉर्ट व्हाट वी कैन से अबाउट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज अ फोर्स व्हिच इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल
इट इज अ फोर्स विच इज रिक्वायर्ड टू बैलेंस सेंट्रिपिटल फोर्स. क्यों? सर्कुलर मोशन. अगर सिर्फ सेंट्रिपिटल फोर्स होता तो ये जो पार्टिकल है ये सर्कल पे क्यों रहता? अगर सिर्फ फोर्स अंदर की तरफ है तो वो अंदर जाएगा. एग्जाम्पल, आई हैव एन ऑब्जेक्ट हियर, ओके, मैंने इसको रिलीज किया, कहां गया? नीचे. क्यों नीचे गया? ग्रेविटी. मतलब ओनली फोर्स इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. सर्कुलर मोशन में भी अगर ओनली फोर्स अंदर की तरफ होता तो सर्कुलर मोशन परफॉर्म क्यों होता? फिर नहीं हो सकता है. तो इसको बैलेंस करने के लिए एक फोर्स चाहिए, एंड दैट बैलेंसिंग फोर्स इज कॉल्ड एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. ये है सेंट्रीपिटल एंड यू हैव फोर्स विच इज अवे, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल. ओनली डिफरेंस इज ये है, यस, बट दिस इज रियल फोर्स, दिस इज सूडो फोर्स. और ये क्यों आया? क्योंकि जो पहला स्टेटमेंट मैंने बताया था कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन दे आर स्ट्रिक्टली वैलिड ओनली व्हेन यू आर नॉट एक्सेलरेटेड, मतलब यू आर इन इनर्शियल फ्रेम. पर सर्कुलर मोशन दिस इज एक्सेलरेटेड मोशन, मतलब हमको जबरदस्ती एक टर्म डालना पड़ेगा. सो यू हैव टू से इफ यू वॉन्ट टू कीप परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, इसका मतलब इनवर्ड फोर्स को एक फोर्स बैलेंस करने के लिए आउटवर्ड चाहिए. इसका मतलब समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस शुड बी इक्वल टू जीरो. ऐसा नहीं हुआ. अगर इनवर्ड फोर्स ज्यादा है तो ऑब्जेक्ट अंदर जाएगा, आउटवर्ड ज्यादा है तो ऑब्जेक्ट बाहर जाएगा, राइट? इसका मतलब हमको यह पता है कि सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल फोर्स कंपल्सरीली होना चाहिए, राइट? सिर्फ सेंट्रीपिटल होगा तो चलेगा नहीं. तो इसके लिए हम एक एडिशन कर देते हैं. यहां पे हम बोलते हैं कि सेंट्रीपिटल को बैलेंस करने के लिए एक फोर्स चाहिए जो रियल नहीं है, इसलिए हम उसको ऐड कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि हमको न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन वैलिड करना है. यहां पे न्यूटन लॉ ऑफ मोशन सिर्फ नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वैलिड था, ये मोशन एक्सेलरेटेड है, तो न्यूटन लॉ को एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वैलिड करने के लिए एक एक्स्ट्रा टर्म ऐड करना पड़ेगा, राइट? क्लियर? आइडिया इज वेरी क्लियर, ओके? जिनको नहीं समझा है मैं वापस रिपीट कर रहा हूं. एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है. देयर आर टू इंपॉर्टेंट थिंग्स व्हिच यू मिस आउट. 11 में पढ़ तो लेते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन. पहला पॉइंट, इट इज स्ट्रिक्टली वैलिड फॉर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. मतलब जो ऑब्जर्वर है वो या तो चुपचाप एक जगह पर बैठा है या फिर कॉन्स्टेंट वेलोसिटी के साथ, वेलोसिटी बोल रहा हूँ, डायरेक्शन भी चेंज नहीं होना चाहिए ऑब्जर्वर का. इट इज मूविंग विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी एंड मेजरिंग द मोशन ऑफ सम अदर ऑब्जेक्ट. दूसरा, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आर स्ट्रिक्टली एप्लीकेबल टू पॉइंट पार्टिकल्स. बड़े बड़े ऑब्जेक्ट पे आप नहीं कर सकते हो अप्लाई. फिर नहीं कर सकते इसलिए हम लोग सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं. एनीवेज, राइट? तो सर्कुलर मोशन इज एक्सेलरेटेड. व्हाई? वेलोसिटी इज चेंजिंग डायरेक्शन, व्हिच मींस मुझे अगर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन अप्लाई करना है, कर ही रहे हैं ना हम लोग, कब से लिख तो रहे हैं F equal to ma, F equal to ma, कहां से आया? न्यूटन लॉ से आया. मतलब हमने इनडायरेक्टली अप्लाई कर ही दिया. उसको अप्लाई करना है तो पहले इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को रेस्ट पे लाओ. रेस्ट पे कैसे लाएंगे? कैंसलेशन, मतलब एडिशनल बैलेंसिंग फोर्स चाहिए. दैट इज व्हाई यू राइट दैट सेंट्रीपिटल फोर्स शुड बी नेगेटिव ऑफ, नेगेटिव क्यों? क्योंकि यहां से आ रहा है वो. So centripetal force should be equal to negative of centrifugal force. Yeah, so centrifugal force should be equal to negative of centripetal force. Right? मतलब ये कि centripetal और centrifugal force में सिर्फ direction का difference है. Centripetal ज्यादा होगा तो object अंदर जाएगा, centrifugal ज्यादा होगा तो object बाहर जाएगा. Good? That makes our job easy. हमारा काम आसान हो गया. क्यों? क्योंकि अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के जो फॉर्मूलाज हमको लिखने होंगे, राइट, वो एग्जैक्टली इक्वल टू सेंट्रीपिटल होगा, ओनली विथ साइन अपोजिट. तो सेंट्रीपिटल में आपने लिखा था एम वी स्क्वायर बाय आर, वेयर आर वाज रेडियस, आर कैप विथ अ नेगेटिव साइन. यहां पे नेगेटिव की जरूरत नहीं है. गुड,
या फिर आपने लिखा था एम वी ओमेगा आर कैप विद नेगेटिव साइन, अगेन नो नीड ऑफ नेगेटिव बिकॉज सेंट्रीफ्यूगल इज अवे, सो इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ आर कैप. और यू कैन राइट एम आर ओमेगा स्क्वायर आर कैप, सो दिस फोर्स इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अवे. इसलिए जो मशीन वॉशिंग मशीन का ड्रायर है उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूज बिकॉज इट इज पुशिंग द क्लोथ्स अवे. और पुशिंग द क्लोथ्स अवे, कपड़ा बाहर नहीं जाना चाहिए इसलिए वो टब में छोटा छोटा होल होता है सो दैट ओनली वाटर गोज आउट एंड दिस इज हाउ योर क्लोथ्स गेट ड्राई, राइट. सो आई होप दिस इज सिंपल, दिस इज क्लियर, करेक्ट, गुड. तो दिस वॉज द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ सर्कुलर मोशन. नाउ मुझे अगला टॉपिक स्टार्ट करना है लेकिन उससे पहले वापस से 11th का टॉपिक है जो आपको पता होना चाहिए एंड आई एम वेरी श्योर 80% ऑफ यू आपको या तो पता ही नहीं है या तो फिर आपको याद नहीं है, दैट इज फ्रिक्शन. फ्रिक्शन, अब मैं इस बोर्ड पे लिख रहा हूं तो ये पेन और बोर्ड कॉन्टैक्ट में आया, तो जब दो सर्फेसेस कॉन्टैक्ट में होते हैं so it is a contact force when one object is moving on the surface of another object, the forces that are there are called as contact forces or friction is one of the type of contact forces. Do subject mane thand mein kya karte hain, what do? Kya hai, you are using frictional force to generate heat, good, right. So friction ke type pata hone chahiye fir. Why? Because सर्कुलर मोशन समझने के लिए हमको लगने वाला है ये. फ्रिक्शन के तीन टाइप होते हैं, एक स्टैटिक फ्रिक्शन. बाय द वे फ्रिक्शनल फोर्स इज अपोजिंग फोर्स, मतलब बॉडी अगर मूव हो रहा है और वहां पे फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शन मोशन को अपोज करेगा. अपोज करेगा मतलब ड्राइविंग फोर्स अप्लाइड फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन होगा. मैंने ऑब्जेक्ट को, मेरे पास गाड़ी है, चल नहीं रहा, खराब हो गया, I am pushing it, right? तो ये हो गया अप्लाइड फोर्स. लेकिन टायर और रोड कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट मतलब फ्रिक्शन. फ्रिक्शन क्या करता है, अपोज, मतलब फ्रिक्शन फोर्स होगा अपोजिट डायरेक्शन में. तो ये चीज पता होनी चाहिए, पहले तो ये पता होना चाहिए फ्रिक्शन इज अपोजिंग फोर्स. दूसरा पता होना चाहिए फ्रिक्शन इज ऑलवेज अपोजिटली डायरेक्टेड टू अप्लाइड फोर्स या फिर ड्राइविंग फोर्स, ऐसा बोल सकते हो आप, राइट. अब स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, हमारे पास एक, मान लेते हैं एक टेबल टॉप है, सम टेबल, देन इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट रखा है, ओके, राइट. मैं इसको फोर्स लगा रहा हूं, एक्सटर्नल फोर्स है, मूव नहीं हो रहा ये. फिर मैंने और फोर्स लगाया, फिर भी मूव नहीं हो रहा, व्हाई? फ्रिक्शन. What is friction? तो basically friction आता कहाँ से है? You have to look at microscopic level. हमको दिखने को तो दिखता है smooth है. Surface of table is smooth. Surface of object is smooth. But जब आप microscopic level पे देखोगे, तो this surface will look something like this. And also object में भी ऐसे irregularities होते हैं. वो समथिंग लाइक दिस. तो ये मैं माइक्रोस्कोप से देख रहा हूं यहां पे. तो क्या हुआ, यहां पे कुछ, देयर इज सम हिल एंड सम होल, और सेम इज ट्रू फॉर ऑब्जेक्ट आल्सो. तो सरफेस में जो इररेगुलरिटी है, हिल बॉटम, हिल बॉटम, उनका हो जाता है लॉकिंग, दे गेट इंटरलॉक्ड, ओके. ये एक रीजन है. तो ये लॉक को खोलना है, लॉक को खोलना है तो फोर्स लगेगा, राइट. सेकेंड सोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज, आई एम वेरी श्योर यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट एडहेसिव फोर्स, एडहेसिव एंड कोहेसिव. कोहेसिव फोर्स इज द फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम टाइप. वाटर और वाटर मॉलिक्यूल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसको बोलते हो कोहेसिव, राइट. अब पानी पी लिया मैंने, ग्लास को उल्टा कर दिया, तो फिर भी कुछ मॉलिक्यूल्स वहां पे है ही, they are not coming down. Force of attraction between glass and water molecule,
adhesive force, मतलब force of attraction between molecules of the same substance, cohesive, force of attraction between molecules of two different substance, adhesive, right? Good. तो यहाँ पे भी हो सकता है ये टेबल वुड का हो, ये ऑब्जेक्ट ग्लास का हो, या उल्टा, व्हाटएवर इट इज. सो देयर आर टू सोर्सेस ऑफ फ्रिक्शन, एक इंटरलॉकिंग बिकॉज सरफेस वॉज नॉट रियली स्मूथ, राइट. सेकेंड एडहेसिव फोर्स. तो ये इंटरलॉक और एडहेसिव फोर्स को ओवरकम करने के लिए फोर्स लगेगा. इसलिए जब मैंने पहले फोर्स लगाया तो मूव ही नहीं हो रहा है. अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो इवन इफ यू गिव इट 0.0001 न्यूटन फोर्स, इट विल स्टार्ट मूविंग, राइट. अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो, बट फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन है, तो हमको पहले ये इंटरलॉकिंग और एडहेसिव फोर्स मतलब फ्रिक्शन को ओवरकम करना पड़ेगा. वो ओवरकम होने के बाद ही मोशन स्टार्ट होने वाला है. तो अब मैं फोर्स अप्लाई करते जा रहा हूं बट बॉडी इज नॉट मूविंग. सो द फ्रिक्शन which comes into play when the body is at rest is called as static friction, because body is not moving, right? Body move nahi ho raha hai, force lagate ja rahe hain hum log. So the force of opposition which comes into play when the body is at rest, even though you have applied some force, usko bolte hain static friction. पहले 1 न्यूटन बॉडी मूव नहीं हुआ, 1.1 न्यूटन बॉडी मूव नहीं हुआ, 1.2 न्यूटन बॉडी मूव नहीं हुआ, 1.21 न्यूटन. एक पर्टिकुलर वैल्यू आई जब बॉडी जस्ट मूव होना स्टार्ट होगा, मतलब फ्रिक्शन ओवरकम हो गया, उसको बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन. द वैल्यू और द फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ कोर्स, व्हिच कम्स इनटू प्ले व्हेन द बॉडी जस्ट स्टार्ट्स मूविंग इज कॉल्ड एज लिमिटिंग फ्रिक्शन. और ये लिमिटिंग फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू है. सो लिमिटिंग फ्रिक्शन इज स्टैटिक फ्रिक्शन, बट इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. गुड, राइट. अब जब बॉडी मूव होना स्टार्ट होगा, बॉडी इज मूविंग स्मूथली. स्मूथली मतलब फ्रिक्शन नहीं है, तो आई विल डिलीट दिस वर्ड स्मूथली. बॉडी इज मूविंग. जब बॉडी मूव होगा, इसका मतलब ये है कि फ्रिक्शन खत्म हो गया? नहीं. इसका मतलब ये है कि इंटरलॉकिंग, तो ठीक है, इंटरलॉकिंग ओवरकम हो गया, बट एडहेसिव फोर्स तो अभी भी है. तो जब बॉडी मूव होगा, इवन देन देयर इज फोर्स ऑफ अपोजिशन. एग्जांपल, गाड़ी चला रहे थे हम लोग, एक्सीलरेट करना मतलब इंजन फोर्स प्रोवाइड कर रहा है मोशन के लिए. मैंने गाड़ी बंद कर दी, राइट. तो गाड़ी तो रुकनी नहीं चाहिए, फिर गाड़ी बंद कर दी, इट इज स्टिल गोइंग. अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो, मतलब बॉडी मोशन में है फिर भी फ्रिक्शन है. But that value of friction when the body is in motion is called as dynamic or kinetic friction. So, three friction. एक force apply किया, body move नहीं हो रहा है, body rest पे, static friction. दूसरा, हम force की value बढ़ाते गए, at some value of force the body just begins to move, limiting friction. मतलब limiting friction is maximum value of static friction. तीसरा, जब body move हो रहा है, in that case also there is opposing force, that is called as kinetic or dynamic friction. Good, good. Ab iska relation, by the way, this all will not go in notes. Jo notes main aapko dunga ye usme nahi aayega, because this is part of 11th. It is just for the sake of understanding. Now let's start with applications of uniform circular motion. Applications of UCM. Pehla, I was going around a road or ek turn aa gaya. So vehicle is now on a curved horizontal road. हॉरिजॉन्टल रोड. सो हम गाड़ी से जा रहे थे, सडनली वहां पे एक टर्न आया, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट सच कर्व. और यहाँ पे लिखा होगा टर्न अहेड, थोड़ा धीरे चलाओ. क्यों पता लगेगा कि ऐसा क्यों बोलते हैं वो? व्हाई दे आर टेलिंग यू टू स्लो डाउन, यू विल कम टू नो इन अ व्हाइल. बाय द वे, दिस कर्वेचर, कर्व पाथ इज आर्क ऑफ अ सर्कल. मतलब इसका कहीं तो
सेंटर होगा, ये मान लेते हैं ये सेंटर है, रेडियस है आर, राइट। हमारा व्हीकल समवेयर हियर, मैं ये टॉप से देख रहा हूं, ऊपर से देख रहा ना। अब फेस व्यू देखते हैं, फेस व्यू में क्या होगा, फेस व्यू में ऐसा है, ये रोड है, यहाँ पे व्हीकल है, कार है यहाँ पे, दिस इज दैट व्हीकल विच इज कमिंग आउट नाउ। यहाँ पे देख रहे हो तो इट इज गोइंग लाइक दिस, ओके। ऊपर से देख रहे थे तो ऊपर से देखोगे तो सर्कुलर पाथ पे दिखेगा, सामने से देखोगे तो आपके पास आ रहा है ऐसा आपको दिखेगा, राइट। दिस इज सेंटर सी, ऑफकोर्स दिस हियर इज आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ओके। सबसे पहले हमको यह समझना है कि इस व्हीकल पे एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, मैं इंस्टेंट ऑफ टाइम इसलिए बोलता हूं क्योंकि जब हम देखेंगे तो वो पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम है, तो उस टाइम पे फोर्स कौन कौन सा एक्ट हो रहा है व्हीकल के ऊपर, विच फोर्स आर एक्टिंग, यू आर सिटिंग हियर, वॉट आर द फोर्सेस एक्टिंग ऑन यू, ग्रेविटी मतलब योर ओन वेट mg डाउनवर्ड। Why do you feel you have weight? Why don't you feel you are weightless? क्यों लगता है? नहीं, ग्रेविटी नहीं, ग्रेविटी इज नॉट द रीजन, ग्रेविटी इज एक्टिंग ऑन यू, दैट इज ट्रू, लेकिन जिस बेंच पे आप बैठे हो वो ये एक्शन था वो रिएक्शन दे रहा है, सो नॉर्मल रिएक्शन वहां पे होगा, विच इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सर्फेस इन कॉन्टैक्ट एंड इट पासेस थ्रू सेंटर ऑफ मास, नॉर्मल रिएक्शन, ये वेट, दो फोर्सेस हो गए, राइट। दिस इज ट्रू फॉर योर केस, आप जब बेंच पे बैठे हो mg इज डाउनवर्ड्स और बेंच आप पे रिएक्शन कर रहा है, राइट, ओके। तो ये एक्शन रिएक्शन विल बी ऑलवेज देयर, सो फोर्स इज अ कपल, फोर्स कभी भी सिंगल एग्जिस्ट नहीं करता, एक्शन है तो रिएक्शन है। मैंने वॉल को पंच किया, एक्शन, वॉल ने भी अपोजिट और इक्वल फोर्स लगाया, रिएक्शन, गुड, राइट। तो जब एक व्हीकल कर्व पाथ पे था तो डेफिनेटली रिएक्शन और mg नीचे, राइट, दिस इज ट्रू। अब कर्व पाथ, कर्व पाथ मतलब पार्ट ऑफ सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन मतलब यहां पे एक फोर्स होना चाहिए, कौन सा, सेंट्रीपिटल, राइट, टुवर्ड सेंटर, गुड, टुवर्ड सेंटर क्यों होना चाहिए, बिकॉज मैंने अभी भी बताया ना आपको कि व्हेनेवर व्हेनेवर पार्टिकल, कार, माइसेल्फ रनिंग ऑन दिस जॉगिंग ट्रैक, आप हो, कोई भी हो, फैन है, फैन के एंड्स, ऑल ऑफ दिस टाइप ऑफ सर्कुलर मोशन हमेशा सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, कंपल्सरीली होगा, क्यों, कब से तो हम बोल रहे हैं, वेलोसिटी इज टेंजेंट एट एवरी पॉइंट, मतलब वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, मतलब एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन है तो अपने आप तो नहीं आने वाला, फोर्स होगा, कौन सा फोर्स, टुवर्ड सेंटर, क्यों, क्योंकि ये एक्सेलरेशन ही टुवर्ड सेंटर था, तो फोर्स इक्वल टू एम ए, जब ए टुवर्ड सेंटर है तो एफ को टुवर्ड सेंटर होना ही है, राइट। सो जब व्हीकल सर्कुलर ट्रैक पे आया तो इस पे भी एक सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट होने लग गया, राइट, ओके, मतलब ये तो फिर अंदर जाएगा या फिर अपोजिट भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन स्पीड, हम उस पर आगे जाके देखेंगे डिटेल में, राइट, गुड। तो यू कैन थिंक ऑफ दिस सिचुएशन इन टू वेज, एक आप बोल सकते हो कि सर्कुलर ट्रैक पे है तो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, अदरवाइज ये व्हीकल बाहर जाएगा, राइट, व्हीकल कहां जाएगा, बाहर, दिस इज वन वे ऑफ थिंकिंग, अगर सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं है तो व्हीकल सर्कुलर ट्रैक पे रह नहीं सकता, इट विल बी पुश्ड अवे, अगर सेंट्रीपिटल नहीं है तो, राइट, मतलब मोशन कहां होने वाला है अगर सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं है तो, आउटवर्ड्स, गाड़ी के टायर, टायर और रोड, दे आर इन कॉन्टैक्ट, तो फ्रिक्शन होगा, राइट, गाड़ी बाहर मूव होने वाला था लेकिन नहीं हो रहा, मतलब कौन बैलेंस कर रहा है, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन कहां से आया, बिटवीन रोड एंड टायर सरफेस, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करने के लिए आपके पास है यहां पे फ्रिक्शनल फोर्स विच इज सर्विंग द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग सेंट्रीपिटल, करेक्ट।
वापस से एक बार लिंक बना लो, जैसे ही कर्वेचर आया व्हीकल वॉज मूविंग अलोंग द कर्व एट दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम, mg डाउनवर्ड्स नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड्स। अगर एक फोर्स टुवर्ड सेंटर नहीं है तो ये व्हीकल रोड से बाहर की तरफ मूव होना चालू हो जाएगा, मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विल टेक ओवर डोमिनेट। इसको बैलेंस करने के लिए अंदर की तरफ मतलब सेंट्रीपेटल फोर्स होना चाहिए, तो सेंट्रीपेटल फोर्स किसने प्रोवाइड किया, फ्रिक्शनल फोर्स ने प्रोवाइड किया, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो व्हेन यू हैड दिस व्हीकल अलोंग कर्व पाथ द रिक्वायर्ड सेंट्रीपेटल फोर्स, तो मैं इसको लिखूंगा सेंट्रीपेटल फोर्स CPF, right? So required centripetal force is provided by force of friction. कौन सा friction? Static या limiting या dynamic? Static. Why? यहां पर there are two things. देखो object motion में है, we of course गाड़ी इस तरफ आगे तो जा ही रहा है, गाड़ी को वहां नहीं जाना, वहां नहीं जाना मतलब यहां पे फोर्स बैलेंस हो रहा है, बैलेंस हो रहा है मतलब ओवरऑल देयर इज नो मोशन अलोंग एक्स डायरेक्शन। मोशन इज ऑफ कोर्स देयर, वाई डायरेक्शन में मोशन है लेकिन एक्स डायरेक्शन में मोशन नहीं है, और वही तो चाहिए था, रोड से बाहर फेंकना है क्या? नहीं, राइट मतलब व्हीकल प्रॉपरली बैलेंस होना चाहिए अलोंग एक्स, ट्रू बैलेंस हो रहा है मतलब अलोंग एक्स स्टैटिक है, तो कौन सा फोर्स? स्टैटिक फ्रिक्शन। तो यहाँ पे आप लिखते हो स्टैटिक फ्रिक्शन, और ये कंफ्यूजन हर बैच का ही होता है, फिर वो डायनेमिक क्यों नहीं लिखा? वो डायनेमिक मोशन अलोंग दिस कर्वेचर है, हमको रोड पे इसको बाहर या अंदर नहीं जाने देना, गाड़ी को आगे तो जाना ही पड़ेगा ना, व्हीकल हैज टू मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, साइड वाइज मोशन नहीं होना चाहिए, मतलब साइड वाइज में फोर्सेस बैलेंस है, मतलब सेंट्रीपेटल फोर्स कहां से मिल रहा है? स्टैटिक फ्रिक्शन से। नाउ ये तो पता ही है आपको क्या फॉर्मूला था, एम वी स्क्वायर बाय आर स्टैटिक फ्रिक्शन, मैंने इसलिए वो फ्रिक्शन बताया, एंड देन यू शुड नो फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल reaction, by definition force of static friction is proportional to normal reaction, but normal reaction ko kisne balance kiya? mg ne, to force of static friction is proportional to mg, right? correct. to jab aap ye proportionality hatate ho, so you write down a constant here and that constant is coefficient of static friction. तो लिखने के लिए भी आप इसीलिए लिखते हो, नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू म्यू एम जी, राइट? सो टेकिंग यू बैक टू 11th अगेन, स्टैटिक फ्रिक्शन जब आप सीखते हो तो यू राइट डाउन फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन, फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, so this mu, because we are talking about static friction, तो इसको बोलते हैं mu s, coefficient of static friction. so आप बोलते हो कि coefficient of static friction is the ratio of static friction force upon normal reaction, और normal reaction आता है equal to mg, तो इसको मैं लिख सकता हूं mu s into n, force of static friction is coefficient of static friction into n, normal reaction. And now ये जो normal reaction है, अभी अभी आपने ही बताया ये होता है, it is equal to what? mg, mg, m m cancel हो गया, now you are left with v square equal to mu s r g, मतलब आपको मिल गया speed v equal to mu s r g का स्क्वायर रूट, राइट? दिस इज इंपॉर्टेंट। नाउ ये जो इक्वेशन मिला है इसको हम लोग बोलते हैं
मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड। क्यों? क्योंकि ऐसा हो सकता है रोड गीला है, अभी तो अनएक्सपेक्टेडली रेन हो रहा है, और हमारे यहाँ पे वी आर वेरी कॉस्ट इफेक्टिव, इकोनॉमिकली बहुत प्लान करके चलते हैं, बारिश आएगी तो ही टायर चेंज करने वाले हैं हम गाड़ी का, 1000 किलोमीटर के बाद बोला है तो हम 5000 किलोमीटर तक गाड़ी का टायर नहीं चेंज करते, एंड दिस इज ट्रू रियलिटी है। सो आई मीन ऑफ कोर्स अब अनएक्सपेक्टेड रेन, रास्ते पे ऑयल पड़ा होगा, पानी होगा, टायर पुराना है, स्मूथ है, या फिर रोड जैसे डिजाइन करना है वैसे नहीं है, फ्रिक्शन जितना चाहिए उतना नहीं है, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कम हो रहा है इस केस में, मतलब मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड टू टेक टर्न इज ऑल्सो रिड्यूसिंग, हो सकता है ऐसा भी होता है द टायर्स ऑफ माई व्हीकल आर कंप्लीटली स्मूथ, खत्म, रोड पे भी फ्रिक्शन नहीं है, होगा भी तो वहां पानी है या ऑयल है, तो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज वेरी 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 स्मॉल, राइट। आई वॉन्ट टू गो फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, फिर गाड़ी पार्क करो और पैदल जाओ, क्यों? क्योंकि कोशिश किया आपने तो गाड़ी तो बाहर ही जाने वाला है टेंजेंशियली, व्हाई? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज डोमिनेटिंग, ओके। तो अब इसका इलाज क्या है वो देखेंगे, लेट अस जस्ट क्विकली रिपीट दिस कॉन्सेप्ट। टुडे वी स्टार्टेड ऑफ विथ, हमने आज शुरू किया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से, इन शॉर्ट दो तीन पॉइंट है जो आपको पता होने चाहिए, इट इज अ सूडो फोर्स, यू एक्सपीरियंस इट बट इट इज नॉट रियल, इट इज नॉट इमेजिनरी ऑल्सो, गुड, इट इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम सेंटर। इसका और सेंट्रीपेटल का फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम है, सिर्फ साइंस का डिफरेंस है, एक टूवर्ड्स है एक अवे है, क्यों जरूरत थी समझेगा आगे क्यों जरूरत है इसकी। देन हमें देखना है, ऑफकोर्स आप कुछ भी सीखते हो, बी इट मैथमेटिक्स, बी इट केमिस्ट्री, फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, हर एक चीज के एप्लीकेशन है, सिर्फ इतना है कि फिजिक्स का डायरेक्ट एप्लीकेशन है रियल लाइफ में। आप जब गाड़ी चलाओगे समझेगा, टर्न आया वहां पे लिखा है स्पीड कम करो, स्पीड लिमिट 30 किलोमीटर पर आ, ये इसके लिए था, टर्निंग पे फोर्सेस, राइट, ज्यादा फास्ट रहोगे गए, राइट, तो हम चेक थोड़ी करने वाले हैं मेरी गाड़ी का टायर स्मूथ है कि नहीं, फिर मैं गाड़ी का स्पीड एडजस्ट करूंगा, वी कैन नॉट डू इट। सो लेट्स बी प्रैक्टिकल इनफ, तो क्या होता है, एप्लीकेशंस पता होने चाहिए, और ये पता होगा तो फिजिक्स रटने की जरूरत नहीं है, जस्ट अंडरस्टैंड सर्कुलर मोशन, कर्व्ड पाथ, हॉरिजॉन्टल ट्रैक है, गाड़ी को हॉरिजॉन्टल ट्रैक पे ले जाना है, बट कर्व्ड है मतलब आर्क हो गया सर्कल का, मतलब जब व्हीकल इस पे आएगा तो इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ सर्कुलर मोशन, जब सर्कुलर मोशन है तो उस केस में सेंट्रीपेटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस बैलेंस होने चाहिए, सेंट्रीपेटल अगर नहीं है तो ऑब्जेक्ट व्हीकल विल डायरेक्टली गो अवे, मतलब इट विल स्टार्ट मूविंग अलोंग टेंजेंट, राइट, देन वो आउटसाइड फोर्स को बैलेंस करना है, मतलब सेंट्रीपेटल फोर्स चाहिए, अभी फोर्स का सोर्स तो चाहिए ना, अपने आप कहां से फोर्स आएगा, यू कैन नॉट हैव फोर्स ऑटोमेटिकली कमिंग फ्रॉम सम जादू टोना एंड समथिंग, सो यू नीड टू हैव सम सोर्स ऑफ दिस फोर्स, तो कहां से आएगा स्टैटिक फ्रिक्शन, कहां से आएगा, ओनली कॉन्टैक्ट इज बिटवीन टायर एंड रोड सर्फेस, तो दैट कॉन्टैक्ट इज प्रोवाइडिंग फ्रिक्शनल फोर्स विच इज एक्टिंग एज सेंट्रीपिटल फोर्स, तो सेंट्रीपेटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय फ्रिक्शनल फोर्स, बैलेंस चाहिए, सेंट्रीपेटल ज्यादा हुआ गाड़ी अंदर, फ्रिक्शन ज्यादा हुआ गाड़ी बाहर, एनीवेज हमको पता है सेंट्रीपेटल फोर्स इज एमवी स्क्वायर बाय आर, स्टैटिक फ्रिक्शन इज म्यू एन, एन इज एमजी, एमएम कैंसिल, यू हैव इक्वेशन फॉर स्पीड एंड दिस इज मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड, वो कौन डिसाइड कर रहा है, प्राइमरीली टू फैक्टर्स, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ रोड, हो सकता है किसका रेडियस कम हो, कर्वेचर किसका ज्यादा हो, दूसरा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टायर एंड रोड सरफेस, जी तो कांस्टेंट है। अब हमारे पास अगर इफ यू हैव टू रोड्स, एक का कर्वेचर कम है दूसरे का कर्वेचर बहुत ज्यादा है,
जी तो कॉन्स्टेंट है दोनों के लिए, तो हु विल डिसाइड? और ऑफ कोर्स दोनों रोड सेम मटेरियल से बने हैं, ये भी सीमेंट कॉन्क्रीट, ये भी सीमेंट कॉन्क्रीट, गाड़ी भी सेम है, मतलब म्यू एस भी कॉन्स्टेंट हो गया, राइट? तो कौन डिसाइड करेगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर. गुड. तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस यू विल सी व्हेन वी विल स्टार्ट डूइंग प्रिपरेशन फॉर जेईई नीट सीईटी. तो ऐसे क्वेश्चंस मैं वहां पे डाल दूंगा, तो यू विल अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर वे. ओके, देन ऑलराइट, वी हैव लिटिल बिट ऑफ टाइम, सो आई विल गो अहेड विद इंट्रोडक्शन ऑफ नेक्स्ट टॉपिक. सिर्फ इंट्रोड्यूस करेंगे, डिटेल्स वी विल सी इन द नेक्स्ट सेशन. नाउ अज्यूमिंग गाड़ी का टायर स्मूथ है, ओके, मतलब मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड कम है. हाईवेज पे जहां पे स्पीड लिमिट ज्यादा होता है 100 किलोमीटर पर आवर, वहां पे जहां टर्न देना होता है गाड़ी को, मतलब ट्रैक को टर्न करना होता है, तो क्या करेंगे फिर? व्हाट वी कैन डू इज, इसका कुछ तो सॉल्यूशन चाहिए. अब मुझे मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड की वैल्यू बढ़ानी है, राइट? बिकॉज सिटी के अंदर ठीक है 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर पर आवर का लिमिट रख सकते हो, बट ऑन हाईवेज यू कैनॉट से मैक्सिमम स्पीड इज 40 किलोमीटर पर आवर, नो वन इज गोइंग टू लिसन टू यू, राइट? तो फिर क्या करेंगे? फिर टर्न भी तो देना पड़ेगा, देना ही पड़ेगा. हमारे पास जो गवर्नमेंट के पास जो स्पेस अवेलेबल होता है वही रोड बनाएगा ना. सामने घर है मेरा, वो क्या बोलेंगे, तोड़ो उसको? यू हैव टू फाइंड अ सॉल्यूशन. तो सॉल्यूशन क्या था? सिंपल सॉल्यूशन है, ये रोड है, ये रोड का आउटर एज है, ये रोड का इनर एज है. इनर एज मतलब सेंटर यहां पे, राइट? आउटर एज को ऊपर उठा लेते हैं थोड़ा सा, नहीं तो एकदम ऊपर कर दिया तो गाड़ी सीधा नीचे. सो लेट्स लिटिल बिट ही है ओनली फॉर द सेक ऑफ, मुझे यहाँ पे फोर्सेस के कंपोनेंट ड्रॉ करने, इसलिए ज्यादा ऊपर दिखाया, बट दिस इज वेरी स्मॉल, फ्यू डिग्रीज, 3-4-5 डिग्री के आसपास होता है. सो हमने क्या किया, हमने आउटर एज को रोड के ऊपर उठा लिया बाय सम स्मॉल वैल्यू. इसको बोलते हैं बैंकिंग ऑफ रोड. द प्रोसेस ऑफ रेजिंग द आउटर एज ऑफ द रोड विथ रिस्पेक्ट टू इट्स इनर एज इज कॉल्ड एज बैंकिंग ऑफ रोड. बैंकिंग, बैंकिंग ऑफ रोड, राइट? अब बैंकिंग करने से क्या हुआ? ये था हमारे पास व्हीकल, हमको पता है वेट mg इज ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड्स. व्हाट एल्स डू वी नो इज नॉर्मल रिएक्शन इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सर्फेस इन कॉन्टैक्ट, राइट? मतलब नॉर्मल रिएक्शन हमेशा यहां रहने वाला है, राइट? दिस इज नॉर्मल रिएक्शन. मैंने ये इंटेंशनली एक्सटेंड किया, समझेगा बाद में क्यों किया, विल कम टू दैट लेटर. नाउ यू नीड टू नो समथिंग फ्रॉम स्कूल ज्योमेट्री. दो लाइन्स, लाइन नंबर वन, लाइन नंबर टू, दो लाइन्स में अगर एंगल थीटा है और इन दोनों लाइंस को आपने दो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिए, है क्या? ये जो लाइन मैंने ड्रॉ किया एम जी का, ये लाइन वन को परपेंडिकुलर है? यस. ये जो रेड लाइन है नॉर्मल रिएक्शन का, ये लाइन टू को परपेंडिकुलर है? यस. सो इफ दिस एंगल इज थीटा, इफ एंगल बिटवीन टू लाइंस इज थीटा, देन द एंगल बिटवीन लाइंस परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ देम इज ऑल्सो थीटा. तो ये एंगल भी थीटा आ गया. गुड. अब नाउ यू कैन टॉक अबाउट कंपोनेंट्स ऑफ फोर्सेस, राइट? तो इसके कंपोनेंट्स देखने पड़ेंगे. इसको मैं एक्सटेंड करता हूं ऊपर, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, और ये थीटा है तो ये नॉर्मल रिएक्शन का कॉस कंपोनेंट होगा. कॉस कंपोनेंट क्यों हुआ? एंगल को लग के जो कंपोनेंट होता है वो कॉस होता है. बाय डेफिनेशन व्हाट इज कॉस थीटा? एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस, एडजेसेंट, तो थीटा को एडजेसेंट. और आपको यह भी पता होना चाहिए, विच इज वेरी बेसिक, कि कॉस कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर, एनी वेक्टर, वेलोसिटी हो, डिस्प्लेसमेंट हो, एक्सेलरेशन हो, और उसका साइन कंपोनेंट, वो हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं. सो कॉस कंपोनेंट एंड साइन कंपोनेंट, दे आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर. अगर ये दिख नहीं रहा है तो इसको आई हैव टू करेक्ट दिस. सो एनीवेज लेट मी करेक्ट दिस.
तो दिस विल बी साइन कंपोनेंट, राइट। तो व्हाट हैपेंड, हमने सिर्फ रोड के आउटर एज को रेज किया, जब तक रेज नहीं किया था तब तक क्या हो रहा था, तब तक नॉर्मल रिएक्शन वॉज परफेक्टली बैलेंसिंग mg, n इक्वल टू mg। यहां पे सिर्फ रोड का आउटर एज ऊपर उठाने से अब नॉर्मल रिएक्शन का एक ही कंपोनेंट mg को बैलेंस कर रहा है, n cos थीटा इज बैलेंसिंग mg। दूसरा कंपोनेंट कहां गया, यहां क्या था, इस तरफ सेंटर, मतलब दूसरे कंपोनेंट ने सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने का काम कर दिया, राइट। हमने अभी फ्रिक्शन की बात ही नहीं की यहां पे, वी आर नॉट सेइंग एनीथिंग, हमने से बोला चलो रोड को ऊपर उठा लेते हैं, राइट। इन दोनों को अगर डिवाइड कर देते हैं हम लोग, व्हाट हैपेंस इफ आई डिवाइड, इफ आई डिवाइड दीज टू, एम वी स्क्वेयर बाई आर अपॉन एम जी इक्वल टू एन साइन थीटा अपॉन एन कॉस थीटा, कैंसल 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 एंड कैंसल, तो ये आपको मिलेगा यहां से वी स्क्वेयर बाय आर जी इक्वल टू टैन थीटा, मतलब आपको मिलेगा यहां से वी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी टैन थीटा। नाउ कंपेयर दिस इक्वेशन विद द प्रीवियस वन, यहां पे क्या था म्यू एस, मतलब कोएफिशिएंट जीरो अगर होता इस केस में अनबैंड रोड पे, अगर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जीरो होता तो कोई चांस ही नहीं, आप टर्न नहीं ले सकते, टर्न गाड़ी लगाओ पैदल जाओ, ओके। बट हियर इफ यू नोटिस, डू यू सी म्यू हियर, नहीं, मतलब गाड़ी का टायर स्मूथ है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। देयर इज स्टिल सम मैक्सिमम सेफ स्पीड विथ विच यू कैन टेक टर्न, ये क्यों हुआ, ओनली बाय रेजिंग, सिर्फ हमने रोड के एक एंड को ऊपर उठा दिया, दैट्स इट, राइट। तो वी हैव इंट्रोड्यूस्ड टुडे व्हाट इज बैंकिंग ऑफ रोड, राइट। तो दिस विल गो इनटू टाइटल हियर, बैंकिंग ऑफ रोड। The process of raising the outer edge of road with respect to its inner edge is called as banking. Banking करने से ये हुआ कि आपका maximum safety speed has become independent of mu, right? Theta पे depend करेगा, मतलब angle of banking पे depend करेगा. This angle theta is called as angle of banking. इसका equation यहाँ से it is quite trivial. ये हमको दिख ही रहा है, right? We see this. तो you can write from this equation theta is equal to tan inverse of v square by rg. तो आपको अगर angle of banking निकालना होगा तो आप वो भी find कर सकते हो। तो इसका मतलब मेरे पास एक curved road है, मुझे speed limit set करना है, I want कि यहाँ पे maximum speed limit 100 km per hour हो, I'll put this। मुझे ये भी पता होगा कि कर्वेचर का सेंटर कहां पे है, 500 मीटर पे है, 1 किलोमीटर पे है, कितना दूर है, मतलब मुझे ये भी पता है जी तो कांस्टेंट ही है, राइट। तो अगर हमको 100 किलोमीटर का स्पीड लिमिट सेट करना है तो अकॉर्डिंगली एंगल सेट कर सकते हैं, मतलब कितना 2 डिग्री 3 डिग्री कितना ऊपर उठाना है। तो जो एक्सप्रेस हाईवे बनते हैं उसमें स्पीड लिमिट ज्यादा होता है, इन सम केसेस इट इज 150 किलोमीटर पर आवर, इतना फास्ट गाड़ी लेके जा सकते हो, मतलब ऑफ कोर्स उसका एंगल थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए क्योंकि थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, वी ज्यादा तो थीटा ज्यादा करना पड़ेगा, राइट। आर वी गुड, ओके। सो हियर ऑनवर्ड्स टू बी कंटिन्यूड इन नेक्स्ट सेशन।